हरदोई के टडियावा थाना इलाके में 11 साल के बच्चे की हत्या का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने बालक की मां से चल रहे अवैध संबंध में बालक के द्वारा बाधा पहुंचाए जाने से नाराज होकर उसकी हत्या की थी। पूरे मामले का खुलासा एएसपी कपिल देव सिंह ने किया है। एएसपी कपिल देव सिंह ने बताया कि टडियावा थाना इलाके के खपरा मजरा खाड़ा खेड़ा निवासी राजकुमार का 11 वर्षीय पुत्र रामनिवास 1 मार्च को लापता हो गया था, जब वह बंदर भगाने के लिए निकला था। बालक के न मिलने पर इसका मुकदमा टडियावा में दर्ज किया गया था, जिसके चलते पुलिस बालक की तलाश में जुटी हुई थी। एएसपी ने बताया कि आरोपित मुनीम बालक को नाले से बहला फुसलाकर जंगल ले गया और गला दबाकर हत्या करके शव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपित को काबू कर जेल भेज दिया है। क्या पूरा मामला है, क्या इसमें पुलिस ने कार्रवाई का खुलासा किया है? देखिए, थाना क्षेत्र टडियावा में खपरा गांव है, जहां से एक 11 वर्षीय बालक रामनिवास 28 फरवरी को गायब हो गया था, जिसकी डेड बॉडी 8 दिन बाद एक गेहूं के खेत में मिली थी। इस प्रकरण में गुमशुदगी लिखी गई थी और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने मेहनत करके इसमें अनावरण किया है और इसमें उन्हीं के गांव के और पड़ोसी मुनीम पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा उस बालक को की मां से संबंध उजागर हुआ है विगत 5 वर्षों से, और वो बालक इनके रास्ते में प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रहा था। इसलिए पहले इन्होंने बालक का गला दबा दिया और उसके बाद रात्रि में उसको छिपाने के उद्देश्य से गेहूं के खेत में ले गए और वहां पर इन्होंने उसका बॉडी कई जगह से काट दिया था। इस प्रकरण में चारों टीमों ने मिल करके बहुत अच्छा काम किया है और प्रकरण का उजागर हुआ है, आला कतल बांका बरामद हुआ है, अग्रेतर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।